बेअंता बेअंत गुण तेरे केतक गावा राम। यही बेनतियां कीतियां जा सकदियां भी ऊचे अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे। गावते उदरह सुनते उदरह बिनसह पाप कंडेरे। पशु परेत मुग्ध कौ तारे पाहन पारे उतारे। नानक दास तेरी सरनाई सदा सदा बलिहारे। कते असाम दे राजे ने रतन राय ने आना पंज घोड़े भेट करने प्रशादी हाथी भेट करना इस तरह होर वस्तुआं पंचकला शस्त्र भेट करना। तो प्रशादी हाथी जड़ा मधरे जे कद दा ते सुंड तो लैके पूछ दी चिट्टी धारी सी उहदे शरीर दे उत्ते सुंड तो लैके लक दे उत्तों तो पूछ तक जांदी सी ते बड़ा सिखाया होया उह हाथ अपनी सुंड विच गड़वा लैके कलगी धर पिताई दे चरण धोया करदा सी। कई वारी अपनी सुंड विच उहने चौर लैके दशमेश पिताई दे सीस उत्ते चौर करना प्रशादी हाथी ने। मैदानी इलाके में जदों सतगुरु जी ने सिंघां नूं घोड़ दौड़ का अभ्यास करवाउणा नेजाबाजी का अभ्यास करवाउणा शस्त्रां का दो जथे बना करके आपस में अभ्यास करवाउणा उदों पिताई ने तीर चलाया करने ते उह हाथी ने जा करके चुक के लै आया करने ऐसा सिखाया होया उह हाथी। तो महाराज सच्चे पातशाह जी ने बेअंती चोज कौतक जिथे संघासन ते बैठना महाराज साहब जी ने चारे साहबजादे पास होने बाबा अजीत सिंह जी सजे मोढ़े वाले पासे आके खलो जाना नाल ही बाबा जुझार सिंह जी ने नाल ही बाबा जोरावर सिंह जी बाबा फतेह सिंह जी छोटे ने उन्होंने आके गोदी च बैठ जाना ते दशमेश पातशाह महाराज साहब दे आले दुआले सिंह पंजे प्यारे भाई बचित्र सिंह वर्गे भाई आलम सिंह वर्गे भाई उदय सिंह वर्गे भाई मनी सिंह साहब वर्गे बाबा दीप सिंह साहब जी वर्गे सूरमे उस गुरु साहब जी दे आनंदपुर साहब की सुंदरता वो अखरां विच बयान ही नहीं की जा सकती जो महाराज साहब जी ने उत्थे बख्शिशां वरताईयां जो दर्शन दे करके ते जो अपनी रसना तो अमृत बाणी उचारण की। आनंदपुर साहब फिर महाराज साहब पौंटा साहब भी गए बड़ा लम्मा इतिहास है उत्थे जमुना दे कंडे दे गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी ने कवि दरबार लाउणा सिंघां नूं दस्तारां सजाउण वास्ते उत्साह बख्शना जिन्हां ने सोहणियां सोहणियां दस्तारां सजाउणियां उन्हां नूं इनाम देने कलगीधर पिता जी ने कवियां नूं इनाम देने 60-60 हज़ार असरफी दे देनी महाराज साहब जी ने हाथी दे देने घोड़े दे देने इनाम दे विच 52 कवि प्रसिद्ध सन गुरु गोबिंद सिंह महाराज के दरबार दे। फिर गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी ने आनंदपुर साहब की धरती ते आना एक कवि ने बड़ा सोहना लिखिया है वो मुसलमान लिखारी होया है ते श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब जी के दरबार की शोभा लिखता है। कहिंदा है लगा होया है सी दरबार दशमेश जी का वेख वेख जिन्हों कदे चित ना रजाया जावे। ये सौखी कविता ये अर्थ करन दी लोड़ ही नहीं भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का दरबार लगा होया सी ते जिस दे दर्शन कीतियां चित नहीं सी रजदा भी जी करदा भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे होर दर्शन करी जाइए होर दर्शन करी जाइए गुरु के सिंघां दे दर्शन करी जाइए गुरु के खालसे दे। ऐसे नाम बाणी विच रंगे होए गुरु के सिंह माई भाई बजुर्ग बच्चे। लगा होया है सी दरबार दशमेश जी दा वेख वेख जिन्नू कदे चित ना रजाया जावे। एक पासे बैठी होई आंधी सी बहादरी एह 125,000 वैरी नाल इको ही लड़ाया जावे। आंधी सी हकूमत दूजे पासे वल बैठी होई नानक शाही सिक्का सारे जग ते चलाया जावे। लक्ष्मी ए आखदी सी वैरी नूं जे बाण मारो उहदी चुंझ अगे वी तां सोना ही चढ़ाया जावे। इलम पिया आखदा सी
ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੋਂ ਡੂੰਘਿਆਂ ਕਵਿਤਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਲ ਪਿਆ ਆਖਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪਾਪੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਸੰਦਾ ਵਾਂਗ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਜਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੁੰਦਰਤਾਈ ਆਖਦੀ ਸੀ ਪੰਜ ਕੱਕੀ ਸ਼ਬ ਨਾਲ ਪਰੀਆਂ ਤੇ ਅਪਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਪਈ ਆਖਦੀ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਹਾਲ ਉਹ ਸਿਆਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲਾ, ਬੋਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਅੱਖਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਬੋਲ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਭੇਜੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਾਨਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੁਟਿਆਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਆਓ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜੋ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਖੁਟਿਆਈ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਵੈਰ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਵੈਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਦੌਣ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੁਲਾ ਸਫਾਈ ਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਰਭਉ ਅਤੇ ਨਿਰਵੈਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਵੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਸ਼ਰਨੇ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਧਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹਾਂ, ਅਧੀਨ ਅਧੂਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੀ ਅਧੀਨ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਗਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ, ਰਣ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਨਗਾਰਾ, ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਨਗਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਗੂੰਜ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਧੜਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਕਈ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਵਜੀਦ ਖਾਨ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
औरंगजेब ने भी फिर दिल्लियों फौज भेजी ये 22 धार दे राजे की मदद। तो आनंदपुर साहब जी ने चार चपेरियों फिर घेरा पाया गया बहुत वड्डी गिणती विच, क्योंकि मैदान विच कई वारी ये जंग कर चुके सन। ते जंग दा कारण ये कि बिना कारण तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे नाल ये ईरखा करते सन, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपने अधीन रखना चाहते सन। पर महाराज साहब जी कहिंदे भी असी ना किसी नूं डराउणे आ, ते जिहड़ा सानू डराउण दा जतन करदा असी डरदे भी नहीं हाँ, ना किसी नूं भय देने आ ते ना किसी का भय मनदे हाँ। ये सिद्धांत है श्री गुरु नानक साहब जी का, ये सिद्धांत है श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का। जिवें भगत कबीर साहब जी ने भी आख्या, आप ना डरो ना अवर डरावो, ना किसी तो डरना ना किसी नूं डराउणा। सतगुरु कहिंदे भी असीं किसी नूं डराउंदे भी नहीं हाँ ते असीं किसी तो डरते भी नहीं हाँ। सतगुरु निरभाओ ते निर्वैर, गुरु साहब ने खालसे नूं भी निरभाओ ते निर्वैर बनाया। वैर किसी नाल नहीं खालसा करता, पर जे कोई डराउण दा जतन करे ते उत्तों डरदा भी नहीं। फिर फौज बहुत वड्डी गिणती दे विच 22 धार दे सारे राजयां दी फौज, सरहंद दा सूबा वजीर खां उहदी फौज चढ़ के आई आनंदपुर साहब, लाहौर दा सूबा जबरदस्त खां भी उहदा नां आया, ते कईआं लिखारियां ने जेरदस्त भी लिखिया। वो जबरदस्त खां जिहड़ा है उहदी फौज भी आई लाहौर दे सूबे दी। दिल्लियों औरंगजेब ने भी बहुत वड्डी गिणती दे विच फौज भेजी, ते आनंदपुर साहब जी नूं इन्हां एक व्योंतबंदी दे नाल चार चफेरियों घेरा पा लिया, 2.5 2.5 कोह की दूरी ते, आनंदपुर साहब तो 2.5 कोह पिछा चार चफेरियों सारे रस्ते बंद कर दिते, ते चार चफेरियों वड्डी गिणती विच घेरा पा के बैठ गए। ते ये घेरा लगभग 8 महीने पिया रहा, 8 महीने घेरा। ख्याल से भी बाहरों किसी संगत को अंदर जान नहीं देना, अंदर श्री गुरु गोबिंद सिंह ते उन्हां दे नाल जिन्ने सिंह जिन्नी कु उत्थे संगत है, जदों राशन पानी मुक जाएगा तो अपने आप गुरु गोबिंद सिंह जी साडे हवाले हो जाएंगे, असी उन्हां नूं गिरफ्तार कर लवेंगे। इन्हां 8 महीनों के विच कई बारी ये जिहड़ी फौज घेरा पा के बैठी, इस फौज दे नाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब जी दे खालसे की लड़ाई होंदी रही। ये नहीं भी ये आपो दे महीने विच महाराज ने आनंदपुर साहब छड़ दिता ते इदों पहला उत्थे कुछ नहीं होया, जिहड़े 8 महीने घेरा पिया रहा उन्हां 8 महीनों के विच भी बहुत ज्यादा सिंह शहीद होए। 22 धार दे राजयां दी फौज भी बहुत मारी गई इन्हां 8 महीनों विच, गुरु के सिंह भी कई शहीद होए। वो जिहड़े शहीद हुंदे सी इस तों पहलियां लड़ाइयां दे विच भी, जिन्नियां पहलियां आनंदपुर साहब दियां लड़ाइयां होईयां उन्हां च भी जिन्ने शहीद होए सी, ते इन्हां 8 महीनों दे विच भी जदों सिंघां ने पानी लैण वास्ते जाणा जां इस तरां होर कोई रस बस लैण वास्ते जाणा ते फिर झड़प होणी उत्थे उत्थे अद्धियां ने अपना कार्ज करना अद्धियां ने जूझणा। ये कवि सैनापति जी ने लिखिया, इस तरह होर भी भाई संतोख सिंह जी ने भी लिखिया। तो इन्हां 8 महीनों विच भी कई सिंह शहीद होए, वो जिन्ने सिंह शहीद हुंदे सी उन्हां दा फिर आनंदपुर साहब दे विच जिथे आनंदगढ़ किला है उहदे सामने बाग, जिस बाग दे विच गुरु कलगीधर पातशाह कई वारी दीवान भी सजाया करते सन, उत्थे सारे सिंह संगतां बैठदियां दीवान बाग विच सजाया करते सन। आनंदगढ़ साहब के नाल ही सामने बाग है जिन्हों अजकल शहीदी बाग कहा जाता, जिस थान के उत्ते अजकल जो गुरमुख प्यारे महापुरख सेवा करवा रहे हैं संत बाबा गुरदेव सिंह जी शहीदी बाग वाले, उस थान ते बहुत सुंदर इमारत सोहना दरबार बनाया बड़े प्रेम के नाल महापुरखां ने कलगीधर पातशाही के प्रेम के विच, और उत्थे बहुत प्रेम दे नाल जिहड़ी लंगर की मर्यादा भी कायम है। और उस थान दे उत्ते वो बाग दे विच
जिथे फुल भी फुलवाड़ियां भी उन्होंने दिनों में लाइया जाए सन। तो माता सुंदर कौर जी, माता अजीत कौर जी उस बगीचियां फुलवाड़ियां दे विचों फुल तोड़ करके हार फरो करके कलगीधर पिता जी नूं, महाराज साहब जो साढ़े पिता जी कलगीधर पातशाह, तिन्हां नूं पाया कर दिया सन। गुरु साहब जी दियां धर्म पत्नियां पति देव सतगुरु जी नूं फुलां दियां माला परो करके भेट करिया कर दिया सी। वो जिहड़े सिंह शहीद हुंदे सी उन्हां दा फिर संस्कार दशमेश पातशाह जी उस बाग विच करवाया करते सन। इसे करके उस बाग नूं शहीदी बाग कहा जाता है। आनंदपुर साहब विच उस मौके ते जिन्नियां भी लड़ाइयां दे विच सिंह शहीद होए उन्हां दा अंतम संस्कार उस बाग दे विच ही कीता गया, तां उहनूं शहीदां दा बाग शहीदी बाग कहा जाता है, शहीदी बाग। तो गरीब नवाज सच्चे पातशाह महाराज साहब जी आनंदपुर साहब दे विच हन। चार छफेरियों ये लम्मा घेरा पिया, 8 महीने तक घेरा पिया है, पोह दे महीने तक। और उस समय दशमेश पातशाही ने एक बारी गर्मियां दे दिन सन, क्योंकि गर्मी विच भी घेरा पिया रहा, आनंदपुर साहब छड़िया ही सियाल विच, पोह दे महीने विच घेरा ते किन्ना लम्मा पिया। गर्मी दे दिन ते लाहौर दा सूबा ते सरहंद दा सूबा वजीर खां छावें बैठे हुए ते शतरंज खेड रहे सन। ते कलगीधर पातशाही ने आनंदपुर साहब दे विचों 250 पिछे बैठे सन, 250। तां महाराज साहब जी ने अपना तीर चलाया ते वो आ करके दरख्त दे विच वज्जा। जदों इन्हां वेख्या ते वो जिहड़ा तीर सी ना महाराज साहब जी दा, अगे 1.25 तोला सोना लगा हुंदा सी महाराज दे तीरां नाल, वो यही दसदा सी वी गुरु गोबिंद सिंह महाराज किसे नाल वैर नहीं करदे। तोला ये जणाउंदा सी वो सोना जिहड़ा 1.25 तोला सोना, भी जिहदे वज जावे जे वो फटड़ हो जावे ते अपना इलाज करा जावे, जे पार हो जावे ते वो तीर लै करके उहदे संबंधी उहदा किरिया कर्म कर लैण। ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹਨ, ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਆ ਕੇ ਵੱਜਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤੀਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਛੂਕਦਾ ਆ ਦੂਜਾ ਤੀਰ ਫੇਰ ਆਇਆ, ਪਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਜਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਯਾਲ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆ ਦੂਜਾ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੰਨ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਤੋ ਐਸੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਅੰਤੀ ਬੇਅੰਤ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਮਾ ਦੇਣੀ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿ